Fit Samra family, how are you guys today? आज का vlog is gonna be special. जैसे आप देख रहे हो मेरे ऊपर बारिश गिर रही है, so the weather is little off today. तो मैंने सोचा कि why not give you guys a try on haul of all my favorite outfits. तो आज मैं आपको अपनी सारी favorite outfits दिखाऊंगी. आप comment करके जरूर बताना आपकी favorite कौन सी है. Let's see हम दोनों की choice मिलती है कि नहीं. तो let's start with the first outfit जो कि मैंने पहनी हुई है, आपको दिख ही रही होगी. This is my जिम डे वर्कआउट आउटफिट. ये मेरी फेवरेट आउटफिट है जिम पहनने के लिए. एक तो कलर कॉम्बिनेशन मेरे जूतों के साथ मैच करता है, सो आई लाइक इट. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ये लेगिंग बहुत पसंद है. ये मैंने न्यू ब्रांड ट्राई किया है, इट्स कॉल्ड NVGTN, जिसको कहते हैं नेविगेशन है जिसका नाम. एंड इसकी बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर ये जो बैंड लगा है, दिस इज़ अ कंप्रेसिव बैंड जिससे आपकी कोर टाइट रहती है व्हेन यू आर वर्किंग आउट, तो योर टमी स्टेज टक्ड इन. एंड इसके पीछे कॉन्टोर है यहाँ पर एक, ये कॉन्टोर से दे ये एक एक्स्ट्रा फिनिशिंग मिलती है लेगिंग को. इट लुक्स गुड एंड इट ऑल्सो एनहांसेज योर बट. तो दिस लेगिंग में बट की शेप आपकी बेस्ट आएगी इफ़ यू वांट टू परचेज इट. एंड आई थिंक आई गॉट इट फॉर 70 to 80 US dollars. एंड साथ में कस्टम भी लगती है क्योंकि US से शिप होता है. एंड दिस स्पोर्ट्स ब्रा इज़ फ्रॉम अंडर आर्मर, यहाँ लगा ही है टैग. तो ये अंडर आर्मर से है, ये मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगती है. आई डोंट फील टू कंजस्टेड वेयरिंग इट वाइल वर्किंग आउट. सो दिस इज़ टुडेज आउटफिट. और आज मैं आपको सब कपड़ों का एक स्लोमो भी करके दिखाऊंगी, सो दैट यू गाइस कैन सी इफ़ यू वांट टू परचेज इट. तो चलो अब स्लोमो करके दिखाते हैं, कैमरे का फ़ायदा चख दें. लेट्स गो. बारिश पड़ने में लगी थी तो हैड टू मूव इनसाइड, बट द ट्राई ऑन हॉल इज गोना कंटिन्यू. तो अब दिखाती हूँ आपको अगली आउटफिट. ये है मेरी सेकेंड आउटफिट. एंड जो ये स्पोर्ट्स ब्रा, इट्स फ्रॉम जिम शार्क. मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है ये, बिकॉज यूजली जब स्पोर्ट्स ब्रा लेती हूँ रनिंग के लिए, दे आर रियली कंप्रेसिव, आपको टाइट फील होता है. बट ये बहुत कंफर्टेबल है और रनिंग के लिए मेरे को तो बेस्ट लगती है. आई डोंट फील अनकंफर्टेबल एट ऑल. एंड नेक्स्ट इज दिस शॉर्ट्स. दिस इज़ फ्रॉम नाइकी प्रो, यहाँ लिखा है. इसकी बेस्ट चीज़ है, एक तो कलर बड़ा अच्छा लग गया मैनू, इट्स सच अ प्रिटी कलर. एंड द सेकेंड थिंग इज कंप्रेसिव. तो ये कंप्रेसिव बैंड है तो मेरी कोर टाइट रहती है. आई लाइक इट कि अगर कोर टाइट है तो वर्कआउट करने में आई फील गुड. तो ये सेकेंड है, आपको दिखा देती हूँ ये डिज़ाइन. बोथ दीज कपड़े वर फॉर $40 ईच, $40 Canadian. इंडिया में पता नहीं ये अवेलेबल है कि नहीं. ओके तो अब आपको स्लोमो दिखाते हैं. ऑल डॉल्ड अप होगी कैजुअल वेयर में. आप भी सोच रहे होगे कि सिर्फ फिटनेस के कपड़े हैं, नहीं है. तो ये बहुत ही अच्छी आउटफिट लगती है मेरे को. ये टॉप आई गॉट फॉर ओनली $5. कैन यू बीट इट, जस्ट $5 की थी. इतना प्यारा कलर है इसका. 300 रुपए बने कैनेडियन और इंडियन. कैनेडियन $5 ढाई 300 बने इंडिया में, जितने सरोजनी या कोई भी 22 की मार्केट से. चंडीगढ़ वाले 22 सेक्टर, चंडीगढ़ में 22 सेक्टर होती थी. वेयर एंड टेयर ये नहीं लग रहा घटिया क्वालिटी है, क्वालिटी भी अच्छी लगती है. अर्बन बिहेवियर से मैं ट्राई ऑन हॉल ऊपर लिंक कर दूंगी इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी द वीडियो. मैंने सारे कपड़े लिए थे जो यहाँ से, वो मैंने ट्राई किए थे. एंड दिस जिस पैंट्स प्लस जेगिंग जो भी इसको कह लो इज फ्रॉम जी बाय गैस. तो गैस की ही लेबल है जी बाय गैस, उससे ली थी ये. बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेरे को लगी, बेज कलर की. एंड अच्छी फील देती है पहन के. आई लाइक वेयरिंग इट वन एवर आई वॉन्ट वेयर कैजुअल कपड़े. एंड जो ये हील्स हैं ये मैंने इंडिया से ली थी, मेरे को याद आया इंडिया से ये मैंने ली थी. ज़ारा के बेसिक एडिशन से है ये, तो ज़ारा बेसिक से ये ली थी. एंड या दैट्स प्राइस भी बता दो कितने की. प्राइस कितने की थी यार, बहुत मैं मुझे पता है. यू वर नॉट देयर. $20 की थी ये इंडिया से थी. नहीं पेंट
अच्छा पैंट की बात कर भूल रहे हो। गए ना पैंट का भी ओके वाला। मैं सीधा वहां पे पहुंच गई हील्स पे। तो ये दिस पैंट्स वाज फॉर $20। हाँ, 20 सेल मिली थी। कैसे ली थी? सस्ते मिलते हैं गाइस यहाँ पर कपड़े। बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर खाना जरूर महंगा है बट कपड़े सस्ते हैं। हाँ, कपड़े सस्ते हैं। एंड ये हील्स ली थी जारा से एंड बस ये आउटफिट है। अब नेक्स्ट पैंट क्या आती है? नेक्स्ट कैजुअल मेरी ड्रेस है। ये मैं यूजुअली बीच पे पहनती हूँ। ये मैंने ली थी गैस से। जी बाय गैस लेबल है गैस का। वही जो पिछली में हाँ जो पिछले में लिए थे उससे ली थी गैस से। एंड बड़ा अच्छा मेरे को प्रिंट लगता है। ज़ीब्रा वाली फीलिंग आती है। ये $25-$20 की थी। अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। ओके चलो लेट्स गो। नेक्स्ट आउटफिट में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो दिस इज उसमें एब्स आ रहे थे सॉरी बीच में रोकने के लिए। तू भी निकाल ले अपने में बस आने वाले हैं कोई नहीं। ओके तो जोक्स अपार्ट ये आउटफिट मेरे को बहुत अच्छी लगती है जब भी गर्मी हो। ये एक्चुअल में तो स्विम सूट है मेरा बट मैंने शॉर्ट्स के साथ इसको क्लब इन किया है। तो दिस इज वेरी प्रिटी है। विनर से लिया था मैं तो कलर देख के दिल आ गया। मेरे नेल पेंट के साथ मैचिंग है। मेरे को कलर्स बहुत पसंद है। कौन से कलर्स अभी? एवरी कलर इज प्रेशियस। हर कलर का एक अलग मीनिंग है। येलो भी मेरे को पसंद है। येलो ड्रेस भी पहन के हूँ। मेरी बहन को नहीं पसंद। शी हेट्स येलो। अब मैं उसको जान जान के येलो कपड़े दे गिफ्ट करती थी। तो यस ये है विनर से लिया मैंने। पूरा स्विम सूट था $25 का था। एंड दिस इज फ्रॉम अर्बन बिहेवियर जिसकी पहले मैंने आपको वीडियो लिंक की थी वो जरूर देख लेना। इफ यू वांट टू सी ये कितने की थी? ये $10 की थी। सिर्फ ₹500 हो गए इंडिया के। 500 ही हो गए ना या 500-550। और यस ये आउटफिट मेरे को अच्छी लगती है जब ज्यादा ही आई एम फीलिंग लिटिल मॉइस्चर इन द एयर या ज्यादा गर्मी हो रही है या बीच बूच पे जाना है तो सही है ये कैजुअल आउटफिट। अब नेक्स्ट पहन क्या था? अगर मेरे को कोई डेट नाइट पे जाना है या अगर कोई मेरे साथ ही जाना है कोई क्या लेके नहीं जाते कोई आजकल। अगर नेक्स्ट डेट नाइट पे गए ना हम व्लॉग बनाएंगे उस पे दिखाएंगे हाउ वेल ही ट्रीट्स मी। तो अगर डेट नाइट पे जाना है या कोई फॉर्मल आउटिंग है तो आई लाइक वेयरिंग दिस आउटफिट। ये भी जी बाय गैस से है। मेरे को गैस के कपड़े बहुत पसंद है। गैस हो गया जिमशार्क हो गया मेरे 2-3 फेवरेट ब्रांड्स हैं उनके कपड़े मैं लेती हूँ यूजुअली। एंड बहुत अच्छी है मेरे को बड़ी सटल लगी। मुझे भी ये अच्छी लगी। मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है ये जो ये कट्स है ना ये डिजाइन एब्स आएंगे जब तब दिखेंगे इसमें। बट हाँ ये मुझे कट अच्छा लगता है। सब कुछ ही अच्छा है। इट्स एन एलिगेंट ड्रेस। पिंक कलर की है और मेरा फेवरेट कलर पिंक है। फॉर एनीबॉडी हु डजंट नो आई लव पिंक। और बहुत अच्छी है सटल। ये भी तो अच्छा लग रहा है बट नेकलेस। ओ हाँ सो दिस नेकलेस ये मैंने रैंडमली मैं कुछ कपड़े देख ली थी मैंने चूज करवाया था। एंड जस्ट टू लेट यू गाइस नो सनराइज इज रियली गुड विद हिज चॉइसेस जिसका परिणाम मैं भी हूँ। हाँ तू सबसे बेस्ट चॉइस थी मेरी। तो कुछ भी मैं आई गेट इनडिसाइसिव मेरे को हेल्प बड़ी कराता है। चलो मेरी बकवास तो खत्म नहीं होगी बट ये नेकलेस वॉज फ्रॉम सूजी। देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड सूजी यहाँ पर।
तो वहां से था ये नेकलेस, बहुत ही अच्छा लगता है हर आउटफिट के साथ। हाँ, यहाँ पर इतने सस्ते मिलते हैं ना कपड़े, एक्सेसरीज वगैरह। ऑल्डो के, ये ऑल्डो से लिया था मैंने, ये वंडर वुमेन का रिंग तो इसने दी थी, कोई ना हाँ रिंग भी दिखा दो। रिंग तो सनराज ने दी थी एंगेजमेंट पे बट ये वंडर वुमेन का ऑल्डो मैंने इंडिया से लिया था, आई थिंक 1500 का था, 2000, बहुत पहले लिया था यार, यहाँ आने से पहले, इतना नहीं मेरे को याद रहता। बट ऑल्डो भी यहाँ पर इतना सस्ता है ना, यहाँ पर यू गेट इट फॉर आई थिंक $10 के अच्छा नेकलेस आ और जाता है, शूज भी 20, 25, 30 मैंने लिए थे, 30 डॉलर्स के अच्छे शूज। अच्छे शूज आ जाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े और ये चीजें बहुत अच्छी हैं, एक्सेसरीज एंड ऑल। चलो अब आपको स्लो मो करके दिखाते हैं हमारी डेट नाइट ड्रेस में पहना ही अपनी फेवरेट आउटफिट। मेरा तो सभी फेवरेट यार, मेरी सारी फेवरेट दिखा रही हूँ आज मैं ना, ये मेरी ब्लिंग ब्लिंग फेवरेट है, ये मैं पहली लेती है जिस ग्लिटर हैगा स्पार्कल। इससे पहले मैंने कोई ऐसा कपड़ा पहना नहीं, बट आई रियली लव्ड इट। मेरे बर्थडे के लिए ली थी है मैं स्पेशली, ये मेरी फेवरेट है। ये सनराज की फेवरेट है। ओके, आप लोगों की फेवरेट कौन सी है कमेंट करके जरूर तू बताना, एंड में बताओ ना, ठीक एंड है? में जरूर एंड तक देखना वीडियो, बहुत सारी आउटफिट सारी है एंड बेस्ट तो एंड में आएगी, तो वेट फॉर दी एंड। एंड दिस इज या गेस से है ये, एंड दिस वॉज फॉर आई थिंक $35-40। एंड इसके साथ मैं यूजली रात को पहनती हूँ, जब भी डेट नाइट पे अगर जनाब लेके जाए तो। एंड दिस वॉच इज फ्रॉम माइकल कॉर्स, सेल डलवाना है, यहाँ पर टाइम नहीं लगता, इंडिया आके तो ऐसी डाली हुई है, तो शो के लिए डला डाली थी शो के लिए दाई थी कि आउटफिट के साथ अच्छी लग रही है, ये तो बता दिया था आपको मैंने। So yeah, that's the outfit. Now let's go for the slow-mo. So ये है last outfit of the day, जो कि मेरी favorite आउटफिट टाइप है, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल वेयर, इंडियन वेयर। मेरे को बहुत पसंद है इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहनने, बट आप कहते होंगे मैं पहनती तो हूँ नहीं यार, कैनेडा में टाइम नहीं लगता यहाँ पर, और मेरी इंडियन फ्रेंड सर्कल है नहीं यहाँ पर, बट व्हेन आई कम टू इंडिया आई मेक श्योर कि मैं 2-3 सूट सवा के यहाँ पर पूरा भंगड़ा शंगड़ा करूँ आउटफिट्स आप लोगों को कौन सी पसंद आई प्लीज कमेंट करके बताना, एंड रेट भी कर देना कि बेस्ट कौन सी लगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट दे देना चाहे। हाँ, नंबर कर देना। चलो आज देखते हैं आपकी पसंद, देखते हैं आपको कौन सी पसंद आती है। सिंदास को कौन सी पसंद आई इसने मुझे बताया तो नहीं, ब्लैक वाली अच्छी लगी। कौन सी, वो ब्लिंग ब्लिंग वाली? हाँ वो मैंने ही दी थी, मैंने दी नहीं थी, दिलाई, मतलब मेरी पसंद थी, ली तो मेरा तुमने खुद थी। बर्थडे था तो मेरा बर्थडे प्रेजेंट दिया था इसने। चलो और आप लोग अगर आपने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है ट्राई ऑन हॉल्स वो भी मेरे को बता देना। आई विल ब्रिंग अप माय वार्डरोब आउट, बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, मेरे को तो चाहिए कोई दिखाने का, दिखाने को सनराज तो देख देख के बोर हो गया मेरे को तो ओके गाइज, सी यू गाइज फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, आई होप यू एंजॉयड एंड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।